तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग आगे का कंसेप्ट। अब मेरे बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन पॉइंट, ड्यू पॉइंट वगैरह के बारे में। पॉइंट नंबर वन, हमारे एटमॉस्फेयर में, धीरे धीरे डेवलप करूंगा कंसेप्ट को, हमारे एटमॉस्फेयर में हर समय वाटर वेपर मौजूद रहता है, हर समय, कभी कम कभी ज्यादा, वही ह्यूमिडिटी है। कई बच्चे कहेंगे सर कैसे पता? भाई एक आप पानी की बिल्कुल फ्रीजर में जमी हुई ठंडी बोतल टेबल पे रख दो, प्लास्टिक की बोतल में पानी जमा करके टेबल पे रख दो, निकाल के थोड़ी देर में बोतल के आसपास पानी पानी हो गया। कई बार हो जाता है, चाहे किसी भी मौसम में रख दो, भीग जाती है बोतल। तो बच्चों से पूछो कि ये क्या हुआ, तो वो कहते हैं जी पानी रिस रहा। वो रिस विस नहीं रहा, ये वाटर एटमॉस्फेयर में मौजूद वेपर्स थे जो ठंडक के संपर्क में आके कंडेंस हो गए और पानी बन गए। हमारे एटमॉस्फेयर में 1 मीटर क्यूब में जितना वाटर वेपर मौजूद होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यदि मेरे कमरे में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 ग्राम पानी है तो मैं कहूंगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। जितना पानी मेरे कमरे में मौजूद है हर मीटर क्यूब में, वही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो यदि कोई पूछे डेफिनेशन बताओ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर मीटर क्यूब इन द एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया। अब आता है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, मेरे बेटा कमरे में 1 मीटर क्यूब में पानी मौजूद है, लेकिन कोई लिमिट तो होती होगी कि इससे ज्यादा पानी एटमॉस्फेयर में नहीं आ सकता 1 मीटर क्यूब में, वही सैचुरेशन पॉइंट है। उससे ज्यादा पानी आएगा तो ड्रॉप बन के गिर जाएगा। आप एक प्रैक्टिकल करना कर सकते हो, एक कंटेनर में पानी रख के उसके ऊपर उल्टी प्लेट रख दो, इसे गर्म करो, तो यहां से यहां के जो बीच में, ध्यान से सुनना, पानी से और ऊपर जो प्लेट रखी है उसके बीच में एक एटमॉस्फेयर बन गया। मान लो उस एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा पानी था, जब आप इसे गर्म करोगे तो वेपर जाएंगे तो पानी बढ़ जाएगा, और गर्म करोगे तो पानी और बढ़ जाएगा, और गर्म करोगे और बढ़ जाएगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो पानी की बूंदों के रूप में गिरने लगेगा। बस यहीं से जन्म होता है सैचुरेशन पॉइंट। यदि मैंने कहा कि सैचुरेशन पॉइंट 16 ग्राम पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब मेरे एटमॉस्फेयर में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 16 ग्राम से ज्यादा पानी नहीं आ सकता। यदि 17 ग्राम देने की कोशिश करूंगा तो 16 ग्राम तो रहेगा एटमॉस्फेयर में 1 मीटर क्यूब में, लेकिन 1 ग्राम पानी कंडेंस होके नीचे गिर पड़ेगा। यही कहलाता है ओस, जैसे सर्दियों में ओस गिरती है ना, यही कहलाती है ड्यू। ड्यू कहते हैं इंग्लिश में, ओस कहते हैं हिंदी में। तुम लोग देखते हो कई बार सर्दियों में सुबह सोके उठे, सारा भीगा पड़ा है, कार भीगी पड़ी है, वो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में 1 मीटर क्यूब में जितना पानी आ सकता था उससे ज्यादा आ गया। अब ज्यादा एकोमोडेट नहीं होगा तो वो वॉटर की ड्रॉप बन के गिर पड़ा, यही है ओस या ड्यू। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूं, तो सैचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी प्रेजेंट पर मीटर क्यूब इन द एटमॉस्फेयर, सैचुरेशन पॉइंट ये है। तो जितना है वो तो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जितना आ सकता है वो है सैचुरेशन पॉइंट। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन सैचुरेशन पॉइंट कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंटेज में भी निकलती है और ये फ्रैक्शन में भी। यदि आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को सैचुरेशन पॉइंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाती है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इस चीज का मतलब क्या है,
मान लो मेरे कमरे में 10 ग्राम आ सकता है 1 मीटर क्यूब में और 4 ग्राम मौजूद है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% है। इसका मतलब यह है कि जितना आ सकता है उसका 40% मौजूद है मेरे कमरे में 1 मीटर क्यूब में। यदि मैंने कहा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% है तो जितना आ सकता है उसका 75% मेरे कमरे में मौजूद है। यदि मैंने कहा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो जितना मेरे कमरे में आ सकता है 1 मीटर क्यूब में पानी उतना मौजूद है। जरा सा भी और वाटर वेपर आया तो ओस गिरेगी, ड्यू पड़ेगा, तो इसीलिए इसको ड्यू पॉइंट कहा गया है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए तो उसी को टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट कहते हैं। ड्यू पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%। तो यहां से जन्म हुआ किसका? ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने का मतलब अब और नहीं। जैसे मान लो मेरे कमरे में 16 ग्राम पानी आ सकता है, 12 ग्राम मौजूद है, तो इसका मतलब 75% ह्यूमिडिटी है, 12/16×100। थोड़ा बहुत वाटर वेपर और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब 16 ग्राम आ सकता है, सपोज 15 ग्राम आ गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 15/16×100 जो भी आई 90% आ गई। अभी थोड़ा और आ सकता है। अब यदि मेरे कमरे में 16 ग्राम पर मीटर क्यूब आ सकता है और 16 ग्राम मौजूद है तो 100% ह्यूमिडिटी। अब कहीं से जरा सा भी आधा ग्राम भी पानी आ गया तो कमरे में आ ही नहीं सकता, वो ओस की बूंद बन के गिर पड़ेगा, ड्यू पॉइंट, ड्यू हो गई, जमीन भीग जाएगी, पानी गिरने लगेगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे बात आती है क्या सैचुरेशन पॉइंट एक कांस्टेंट होता है कि कमरे में कितना पानी आ सकता है? तो जवाब है नहीं। सैचुरेशन पॉइंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो सैचुरेशन पॉइंट ज्यादा होता है और कम टेम्परेचर पे सैचुरेशन पॉइंट कम होता है। यानी ठंड के दिनों में 1 मीटर क्यूब में कम पानी आ सकता है और गर्मी के दिनों में 1 मीटर क्यूब में ज्यादा पानी आ सकता है। सैचुरेशन पॉइंट हर टेम्परेचर पे अलग है। एक टेबल बना रहा हूं मैं, फेक टेबल है, सिर्फ समझाने के लिए इस टेबल का प्रयोग करूंगा, कभी आप रटने बैठ जाओ, क्योंकि कोई डाटा सामने होता है तो समझने में आसानी होती है। मान लीजिए बेटा 0 डिग्री टेम्परेचर पर सैचुरेशन पॉइंट है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री है। सैचुरेशन पॉइंट है सपोज 12 ग्राम पर मीटर क्यूब, 13 ग्राम, 14 ग्राम, 15 ग्राम, 16 ग्राम, 17 ग्राम। डाटा फेक है, बार बार बता रहा हूं, लेकिन इसके बगैर समझ में नहीं आने का ढंग से। अब सुनो, इसका मतलब है 0 डिग्री पे 1 मीटर क्यूब में 12 ग्राम से ऊपर पानी नहीं आ सकता, 12 ग्राम पर मीटर क्यूब आ सकता है। यदि 12 से कम है तो ठीक, 12 से ऊपर आएगा तो ओस गिरेगी, लेकिन 10 डिग्री पर 13 ग्राम पर मीटर क्यूब से ऊपर होने पर ओस गिरेगी, 20 डिग्री पे 14 ग्राम तक पानी 1 मीटर क्यूब में एकोमोडेट हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कमरे में पानी आए या गए बगैर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बदल सकती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओस रात में ही क्यों गिरती है? मान लो बेटा मेरे एटमॉस्फेयर में 14 ग्राम पानी पर मीटर क्यूब मौजूद है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी है, 14 ग्राम पर मीटर क्यूब मौजूद है और मेरे कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भरी दोपहरी है 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री पर 16 ग्राम आ सकता है, लेकिन 14 ग्राम मौजूद है तो ठीक है, कोई ओस नहीं गिरेगी। कोई तुमसे पूछे कि दोपहर में जिस समय टेम्परेचर 40 डिग्री है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताना,
तो आ सकता है 40 डिग्री पर 16 ग्राम पर मीटर क्यूब और है 14 ग्राम, तो इस फॉर्मूले में जो है 14 ग्राम और आ सकता है 16 ग्राम, 14 बटे 16 इंटू 100 निकाल लेना कितनी है। अब शाम हुई, शाम को टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया, पानी एटमॉस्फेयर में उतना ही है, ना कहीं से आया ना कहीं गया, पानी 14 ग्राम पर मीटर क्यूब ही है, लेकिन टेम्परेचर शाम को 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री पर सैचुरेशन पॉइंट है 15, यानी इतने टेम्परेचर पे सिर्फ 15 ग्राम 1 मीटर क्यूब में आ सकता है। अब यदि 15 ग्राम आ सकता है और 14 ग्राम मौजूद है, कोई खतरे कोई बारिश या ओस की बात नहीं है, लेकिन सैचुरेशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बदल गई, एब्सोल्यूट तो 14 और सैचुरेशन पॉइंट 15, तो 14/15 × 100। अब पहले से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, कैलकुलेट करना, पानी ना आया ना गया, पता चला दोपहर में 70% ह्यूमिडिटी थी, शाम को 85% हो गई। मैं फेक डिजिट्स का भले ही सहारा ले रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट रियल डेवलप होगा, बढ़ गई। अब क्या हुआ, रात के 10 बजे टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री पे 14 ग्राम आ सकता है और 14 ग्राम मौजूद है, बस अब जरा भी टेम्परेचर गिरना नहीं चाहिए। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 14 आ सकता है, 14 मौजूद है, यानी 14/14 × 100, ये 100% ह्यूमिडिटी हो गई। तो आप कहोगे कि अब 100% ह्यूमिडिटी हो गई, 20 डिग्री पर 100% ह्यूमिडिटी हो गई, तो 20 डिग्री ड्यू पॉइंट कहलाएगा। देख, पानी ना आया ना गया, दोपहर में 80%, शाम को 90% ह्यूमिडिटी हो गई, रात में 100% ह्यूमिडिटी हो गई। अब रात के 1 बजे टेम्परेचर गिर के 10 डिग्री हो गया, अब ओस गिरेगी, समझदार बच्चे समझ गए, 14 ग्राम है पानी हर मीटर क्यूब में, 13 ग्राम आ सकता है हर मीटर क्यूब में, तो हमारे एटमॉस्फेयर के हर 1 मीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी फालतू है, वो बूंद बन के जमीन पे गिर पड़ेगा, यहां पे बूंद बनी गिर पड़ा, यहां बूंद बनी गिर पड़ा, जमीन भीग गई। जितना ठंड बढ़ेगी उतनी ज्यादा ओस गिरेगी। सपोज रात में टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, तो 12 ग्राम पर मीटर क्यूब आ सकता है, 14 ग्राम मौजूद है 1 मीटर क्यूब में, तो हर 1 मीटर क्यूब में से 2 ग्राम पानी गिरेगा, यानी ओस ज्यादा गिरेगी। जितनी ठंड बढ़ेगी, मैंने बता रहा हूं चैलेंज करके, दुनिया की कोई भी आप बुक उठा लो, इतनी डिटेल में कहीं नहीं है, ना किसी वीडियो में है, डिटेल में रखना और इस वाली वीडियो को संभाल के रखना, तभी मैंने इसे पिछले वाले पार्ट से अलग रिकॉर्ड करा है, ये प्लेलिस्ट में नहीं, ये ओपन रहेगी यूट्यूब पर, जब भी कंफ्यूजन हो देख लेना। तो समझ में आ गया बेटा, ओस गिर गई 2 ग्राम। अब ये तो आप समझ गए कि जितना टेम्परेचर गिरता जाएगा उतनी ज्यादा ओस गिरेगी। अब अच्छा सुन, सुबह ओस गायब क्यों हो जाती है, अब सुबह के समय टेम्परेचर फिर से दोपहर में बढ़ करके 20 डिग्री हो गया या 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री पर 15 ग्राम आ सकता है, ये जो पानी जमीन पे गिरा है ये एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर उसे संभालेगा क्योंकि अब तो काफी आ सकता है, तो ओस गायब हो जाएगी। तभी जब क्रिकेट का मैच होता है और ओस पड़ी हुई हो, तो वो ये नहीं सोचते कि सारे दिन पड़ी रहेगी, उन्हें पता है कि जब दोपहर में टेम्परेचर बढ़ेगा ये सारी ओस फटाक से गायब हो जाएगी कुछ ही घंटों में, तो वो गेम थोड़ी देर में शुरू कर देते हैं। अब आता है बादल बारिश कैसे करता है, और क्या एक बादल एक ही बार बरसता है या एक बादल कई बार बरसता है। बेटा क्या एक बादल एक ही बार बरसता है या कई बार बरसता है, क्या एक बार बरस के सारा पानी खत्म कर देता है। मैं वही पुरानी फेक डिजिट यहां लिख रहा हूं, सैचुरेशन पॉइंट वाली, लेकिन अब के बदल के लिख रहा हूं, टेम्परेचर सैचुरेशन पॉइंट, टेम्परेचर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, सैचुरेशन पॉइंट 12 ग्राम, 13 ग्राम पर मीटर क्यूब है, ये सब
पर मीटर क्यूब में, अब बार बार यूनिट नहीं लिख रहा, 14 ग्राम 15 ग्राम 16 ग्राम 17 ग्राम। मेरे बेटा ये है हमारा ओशियन, ये लैंड है। जैसे जैसे ओशियन से दूर जाते हैं लैंड की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, फिर इसके बाद हिल्स शुरू हो जाती हैं। वगैरह, ये ओशियन है, ये सारा लैंड है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है, बाद में माउंटेन्स की रेंज शुरू हो गई, माउंटेन भी पहले कम ऊंचे, फिर ज्यादा ऊंचे, फिर बहुत ऊंचे। बस 5-7 मिनट 10 मिनट और ध्यान से सुन ले। तुम जानते हो एटमॉस्फेयर में अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता रहता है। मान लो समुद्र के तली पर 50 डिग्री है, यहां 40 डिग्री, यहां 30 डिग्री, यहां 20 डिग्री, यहां 10 डिग्री, यहां 0 डिग्री। डिजिट फिर फेक है, बार बार बोल रहा हूं। अब हाई टेम्परेचर पे ओशियन का पानी बहुत तेजी से इवेपोरेट हुआ, ऊपर उठा और यहां पर एक बादल का निर्माण हुआ 40 डिग्री पर। 40 डिग्री पे 16 ग्राम आ सकता है, लेकिन बादल के अंदर सिर्फ 14 ग्राम पानी पर मीटर क्यूब है, तो बादल यहां नहीं बरसा। अब हवा के साथ बहता बहता बादल आगे बढ़ा, बादल आगे बढ़ के ऊंचा उठता जा रहा है, ऊंचा उठ के वो 30 डिग्री के जोन में आ गया, पानी अभी भी उसमें 14 ग्राम है, 30 डिग्री पर 15 ग्राम आ सकता है पर मीटर क्यूब में, इसमें 14 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आगे चल के बादल की ऊंचाई और बढ़ी और वो पहुंच गया 10 डिग्री 0 डिग्री माइनस 10 डिग्री, वो बादल पहुंच गया 10 डिग्री के जोन में। पर ध्यान रहे, बादल में 14 ग्राम पानी पर मीटर क्यूब है और वो पहुंच गया है 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, और 10 डिग्री में 13 ग्राम पर मीटर क्यूब आ सकता है एटमॉस्फेयर में, और बादल में 14 ग्राम पर मीटर क्यूब है, यानी हर 1 मीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी फालतू है। और यदि 1 मीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी फालतू है तो वो पानी की बूंदे बन जाएंगी, पानी की बूंदे अर्थ की ग्रेविटी से स्पीड पकड़ेंगी और यहां पहली बारिश होगी। बारिश में क्या बादल का सारा पानी खत्म हो जाएगा? नहीं, जैसे ही पानी इसका, इसमें 14 ग्राम था, जब पानी 13 ग्राम रह गया वन मीटर क्यूब, तो 10 डिग्री पे 13 ग्राम आ सकता है वन मीटर क्यूब में, और 13 ग्राम है तो पानी की ओस बनना बंद हो जाएगा और बारिश रुक जाएगी। बारिश बंद हो गई, पानी अभी भी है, बहुत है, हर वन मीटर क्यूब में 13 ग्राम है। अब ये बादल आगे बढ़ा हवा के साथ साथ और बढ़ते बढ़ते उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां टेम्परेचर 0 डिग्री है। 0 डिग्री पर 12 ग्राम आ सकता है वन मीटर क्यूब में, पानी बादल में 13 ग्राम है, हर वन मीटर क्यूब में फिर 1 ग्राम पानी निकलेगा, उतनी ही झमाझम बारिश होगी जितनी झमाझम पहले हुई थी, क्योंकि पहले भी 1 मीटर क्यूब से 1 ग्राम पानी फेंका था, अब भी 1 मीटर क्यूब से 1 ग्राम पानी फेंक रहा है। ये बादल जब सैचुरेशन 0 डिग्री पे 12 ग्राम सैचुरेशन है, 12 ग्राम जब हो गया तो बादल के अंदर अब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया। अब मैं ऊंचाइयों पर जा रहा हूं, 0 डिग्री पे आ चुका है और 12 ग्राम पानी इसमें मौजूद है। अब ये पहाड़ों की तरफ चला, ये 0 डिग्री के टेम्परेचर पर आ चुका है और इसमें 12 ग्राम पानी पर मीटर क्यूब मौजूद है। अब ये पहाड़ों पर और ऊंचाई की तरफ उठा, -10 डिग्री -20 डिग्री -30 डिग्री एंड सो ऑन। डिजिट भी यहां पर और ऊपर ले जाता हूं। आज सारा कंसेप्ट सुधार दूंगा। 0 डिग्री पर 12 ग्राम आ सकता है पर मीटर क्यूब, -10 डिग्री पर सपोज 10 ग्राम आ सकता है, -20 डिग्री पर सपोज 8 ग्राम आ सकता है, -10 डिग्री पर 6 ग्राम आ सकता है,
डिजिट समझदार में बार बार क्या बोलना, जीरो डिग्री के जोन पर 12 ग्राम आ सकता है और 12 ग्राम मौजूद है, कोई बारिश नहीं होगी। अब ये बादल पहाड़ आ गए तो अब तो इसे मजबूरी में ऊपर उठना पड़ेगा, और ये आ गया माइनस टेन डिग्री पे 10 ग्राम आ सकता है, इसमें 12 ग्राम मौजूद है पर मीटर क्यूब में, 2 ग्राम पर मीटर क्यूब की फिर बारिश होगी। अब समझने वाले तो समझ ही गया। फिर और ऊपर गया माइनस ट्वेंटी डिग्री पे 8 ग्राम आ सकता है, फिर बारिश होगी। और ऊपर गया, अब क्या हुआ, बारिश जब ये पानी की बूंदे बनी, टेम्परेचर -3 डिग्री था, वो पानी की बूंदे बनते ही जम गई। -30 डिग्री पानी की बूंदे बनी, ओस ड्यू, लेकिन वो जम गई और बर्फ में बदल गई। और जब वो बर्फ में बदल गई ज्यादा ऊंचाई पर, तो फिर वहां पर बर्फबारी हुई, स्नोफॉल हुआ। तभी हिल्स, माउंट एवरेस्ट या बहुत ऊंची हिल्स पर आप जाके देखो तो वहां बर्फबारी होती है, बारिश नहीं होती, वहां का टेम्परेचर हमेशा निगेटिव में रहता है। तो भैया मेरे, जितना समझा सकता था वीडियो में उतना मैंने समझा दिया है। यदि समझ में आ गया है तो भैया, मैं कभी नहीं कहता लाइक करो या कमेंट करो या सब्सक्राइब करो, लेकिन आज कर देना। फिलहाल बाय बाय।